हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और ये एग्ज़ाम में आने के भी या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली आते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो वीडियो से लेकर एंड तक देख लेना। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन की और आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आगे और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आते रहेंगे। तो मतलब एक एक मतलब स्टूडेंट का कमेंट आया था दैट हिंदी में भी क्वेश्चन करवाइए। तो हिंदी में तो हो नहीं सकता, बट हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। और हिंदी से मैंने नहीं किया तो मैं थोड़ा सा इशू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, पहला क्वेश्चन क्या है। द टर्म सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज यूज्ड बाय। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये जो कोट था या फिर एक तरीके से लाइन था, वो पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहला का ऑप्शन ये चार्ल्स डार्विन के थ्रू यूज़ किया गया था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हाईलाइटेड है कीमोडोट्रॉफ, एक टाइप का एल्गी में आता है और ये बीजीएपी से कहते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड कीमोडोट्रॉफ जो है वो पहला ऑर्गेनिज्म था इवोल्यूशन के टाइम पे। यहाँ पर देख लो, विच वॉज एबसेंट इन एटमोसफेयर एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, जब ऑरिजिन हो रहा था लाइफ का, तब कौन सा गैस एबसेंट था। CH4 था, H2 था, NH3 भी था, बट यहाँ पर उस टाइम पे O2 नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा O2। अब यहाँ पर देख लो, इवोल्यूशन एज। ठीक है, इवोल्यूशन क्या है, ये सिंपली से पूछा है, तो आप अपने हिसाब से पे जवाब दे सकते हो। बट यहाँ पर जो दिया गया है, देख सकते हो, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस अलॉन्ग विथ एरिएशंस। और यहाँ पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन की बात कर लेते हैं। विंग ऑफ एन इंसेक्ट विंग ऑफ ए बर्ड, दोनों में तो एक ही ऑप्शन है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, इन ऑफ द ये हो जाएगा सही। ठीक है, द आर्म ऑफ वुमेन एंड विंग ऑफ द बर्ड, ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस एंड एनालोगस में आप लोगों को थोड़ा सा डिफॉल्ट मतलब क्या कहते हैं डिफ़िकल्टी होगी अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो एक बार इन लोगों में कन्फर्म कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं एग्जाम में भी। तो यहाँ पर देख लो, तो फॉसिल आर जनरली फाउंड इन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल आप लोगों ने सुना होगा, पेट्रोलियम लिक्विड, ये सब, तो ये सब कहाँ से मतलब हमारा मिलता है। ठीक है, तो एक टाइप से बता देता हूँ कि एनी टाइप ऑफ रॉक नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, इग्निस रॉक नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल फ्यूल एंड गैस टाइप के सारे मतलब एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर देख लो क्या है, बोन ऑफ फॉरलिम्ब वेल बैट, मैं क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर देता हूँ, वेल बैट चीता एंड मैन आर सिमिलर इन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, वेल बैट चीता मैन, तो ये किससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पर देख सकते, शेयर ए कॉमन एंड सिस्टर, पहला ऑप्शन, वन ऑर्गेनिज्म हैव गिवन राइज टू अनदर, नहीं, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, दे हैव बायोकेमिकल सिमिलैरिटी, दे शेयर कॉमन एंड सिस्टर्स, नहीं, दे परफॉर्म सेम फंक्शन। बट यहाँ पर एक बार ही देख लेते हैं, वेल बैट, बैट तो फ्लाई एंड चीता वे यूज़ करता है फ्रंट, ये सारे सेम फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर द एग्जांपल ऑफ, ये बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री AH एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है। तो आर्टिफिशियल सेलेक्शन, रिवर्स एवोल्यूशन, म्यूटेशन, नेचुरल सेलेक्शन, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पता होगा, एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे वर्क्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। रिवर्स एवोल्यूशन नो, म्यूटेशन नो, नेचुरल सिलेक्शन नो। अब यहाँ पर देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज एन एटमोस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर, तो फॉलोइंग में से कौन सा पोल्यूशन इंडिकेटर के थ्रू मतलब वातावरण का पोल्यूशन जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आपको पता होगा, लाइकेन, और ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है, सबको पता रहता है। यहाँ पर है डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ,
डार्विन का फिंचेस किसका बेस्ट एग्जांपल था? एडेप्टिव रेडिएशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये तो नहीं होगा, कनेक्टिंग लिंक नहीं होगा, एडेप्टिव रेडिएशन नहीं होगा, यहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा डार्विन का फिंचेस। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन, थ्योरम ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल ऑफ ककरबेटा आर एग्जाम्पल ऑफ, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता रहता है। रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन नो, एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, वेस्टिगल ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पर दो ऑर्गन है, एनालॉगस एंड होमोलॉगस, तो या एनालॉगस भी नहीं होगा, होमोलॉगस हो जाएगा, ये बोगनविला एंड टेंड्रिल, ये दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, व्हाट इज द कॉमन अमोंग वेल, सील एंड शार्क, ये तीनों में क्या क्या कहते हैं कॉमन है? थिक, पहला है होम्योथर्मी, नो, सीजनल माइग्रेशन, नो, थिक सब्सटेंसेस वेयर, नो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यस। यहाँ पर फिर है एनालॉगस ऑर्गन आर, ठीक है, तो एनालॉगस ऑर्गन क्या है? डिफरेंट इन ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, कॉमन इन ओरिजिन एंड परफॉर्म, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, डिफरेंट इन ओरिजिन एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, नो, ये ऑप्शन सही है, डिफरेंट इन ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दैट इज एनालॉगस, ये डेफिनेशन भी एक टाइप से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर थ्योरी ऑफ पैन क्या पैनजेनेसिस वॉज गिवन बाय, ये थ्योरी किसके द्वारा किया था? तो ये तो लमार्क के थ्रू दिया गया था। यहाँ देख लो, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स आर, ठीक है, बटरफ्लाई और बर्ड का विंग में किया गया है यहाँ पर कंपैरिजन, ठीक है, तो ये दैट वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड इसका क्या हो सकता है? मेरे को कंफ्यूजन है कि होमोलॉगस तो होगा नहीं, वेस्टिजियल होगा नहीं, ये दो तीनों तो होगा नहीं, तो इसका क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से एनालॉगस है, बट आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हो, बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकेल, ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ओमनी विवेम ई सेलुला, नहीं, ओमनी ओमनी सेलुला ई सेलुला, यस, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइटोगेमी, नो, फाइटोजेमी रिपीट्स ऑन्टोगेमी, नो। अब यहाँ पर देख लो अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है, तो डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल है पहला, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ डॉली बाय द डॉली द सेप, प्री वैलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस इंसेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन फ्रॉम स्टेम सेल्स। तो डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देख लो, प्री वैलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेसिस्टेंट इंसेक्ट। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, बुक फिलोसफिक जूलॉजिक वॉज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो लमार्क और मैंडल, डार्विन, मैंडल ने तो नहीं लिखा था, डार्विन भी नहीं लिखा था, लैमार्क हो जाएगा इसका आंसर, ये को वेरिएशन नो होगा। यहाँ पर इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज, तो इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज, एंसेस्ट्री, फाइटोजिनी, ऑन्टोजिनी, नो प्ले, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दैट इज ऑन्टोजिनी। और यहाँ है डिस्पर्सल ऑफ पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट ऑन, किसी भी पॉपुलेशन का घटाव या बढ़ाव किस पर डिपेंड करता है? तो ऑन इमिग्रेशन, यस, इमिग्रेशन मतलब अदर अदर एरिया से कोई एक स्पेसिफिक एरिया में आता है, ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, एक एरिया, सॉरी, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर इस एरिया से शिफ्ट होंगे इसमें, तो ये इमिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, माइग्रेशन मतलब यहाँ से वहाँ, ठीक है, और ऑन माइग्रेशन मतलब न्यू, तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, और डिस्पर्सल मतलब होता है कोई भी मतलब ग्रोथ या फिर डिक्रीज कम बेसी मतलब उसे कहते हैं। और यहाँ पर है एज पर न्यू डार्विनिज्म विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है, न्यू डार्विनिज्म के थ्रू कौन सा मेनली रिस्पॉन्सिबल है ये चार ऑप्शन में फॉर इवोल्यूशन, नेचुरल ड्रिफ्ट, बोथ ऑफ दिस, म्यूटेशन, म्यूटेशन नो, नेचुरल ड्रिफ्ट एस, बोथ ऑफ दिस नो, ये नहीं, तो नेचुरल ड्रिफ्ट कारण है इवोल्यूशन का अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म। यहाँ पर है हार्डी विनबिग प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल एक्सप्लेन,
तो हार्डी विनबर्ग ने क्या एक्सप्लेन किया था? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन किया था? क्रोमोसोमल, नो. जेनेटिक इक्विलिब्रियम, नो. ऑल ऑफ दिस, नो. इसका हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट. यहाँ पर फिर देख लो, मिसिंग लिंक इन इवोल्यूशन इज, ठीक है, मिसिंग लिंक इन इवोल्यूशन इज, इनमें से कौन सा मिसिंग लिंक है? ठीक है, ये देख लो, मिसिंग लिंक. और इसका हो जाएगा, चार ऑप्शन है, फेरिथीमा, लिमलस, पेरिप्टस, एक्रो. तो इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन फेरिथीमा. तो यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया अराउंड से 20+ क्वेश्चन. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.